सभी भाइयों को राम राम, गुड मॉर्निंग आकाश पवार की तरफ से। और भाई आज है क्या है, आज फ्राइडे, ऐसा कुछ खास दिन है नहीं फ्राइडे, बस ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आज है फ्राइडे और मैं अभी लेटा हुआ हूँ बेड पे। भाई मैं अभी सो के उठा हूँ 9 बजे, आगे आपको दिखाऊंगा 9 बजे के बाद। अभी यहाँ पे कर दी है कपड़ों की प्रेस, मैंने नहीं करी, मतलब मेरी बीवी ने करी थी, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए। चलो जी अब मम्मी को भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग। दोपहर? अभी कहाँ दोपहर हो है, अभी तो 9 ही बजे हैं। ये तो उठने का टाइम होता है मम्मी, ये उठने का टाइम है। भाई आप लोग मुझे बताइए क्या टाइम होता है उठने का। तुम रात को 12 बजे सोते हो तो 12 बजे से 8 घंटे की नींद लेने के लिए 8 बजे उठना चाहिए। मैं तो जब भी 1 घंटे लेट ही उठाऊँ बस हैं। कोई बात, हम दे सकते हैं 2 बजे। अच्छा गुड मॉर्निंग 5 बजे हुई करें। 5 बजे? 5 बजे आप खुद उठती हो? झूठी। तो काम तो 6, मतलब अगर एक बात बताओ आप, अगर थोड़ी देर लेट उठ के भी अगर आप काम कर लोगे, जैसे अभी आप 11 बजे 12 बजे लेट जाओगी तो 1 घंटा लेट जाओ, क्या उसमें दिक्कत है? जहाँ 5 बजे उठ रही हो 6 बजे उठ जाओ, हमें कोई बात थोड़ी ना है। मेरा तो यही है कि देखो ऐसा कोई जल्दी का कोई वो सीन होता नहीं चाहिए। चलो जी अब मम्मी सब्जी लेने जा रही है। चावल किस लिए बनाए, क्या बन रहा है आज, क्या है आज फूड में? फूड में आज बहुत अच्छी अच्छी। चलो ये मैंने लॉक करी है, अनलॉक करी है, लॉक करी, ये अनलॉक करी, अनलॉक कर देता हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ घूमी घूमी करने के लिए। तो गेट खोलो पहले, सबसे पहले गेट। तो भाई ये जो मैं अभी तक कर रहा था ये सब तो बस ऐसे ही था, ये व्लॉग बनाने का मेन मोटो मेरा बस एक ही है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी तनु के सामने आगे चल के क्या, मैं ये बता रहा हूँ मैंने जो जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे अभी रिज़ाइन दे दिया है, मतलब नौकरी छोड़ दिया, तो वही उसी के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि जब मैं ये चीज़ रिवील करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ किसी को नहीं बताई है, यहाँ पर घर पर किसी को भी नहीं पता इस बात के बारे में है। ठीक है तो आपको मैं आगे चल के बताता हूँ हाउ दैट विल गोज़ और कैसे कैसा रहता है ये सारा बताने वाला सीन। चलिए वेट। और भाई अभी निकल गए हैं हम सोहना के लिए, सोहना हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर जाने के 7 किलोमीटर के लिए हम लोग ओनली 5 मिनट्स में पहुँच जाते हैं। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी तनु पवार, तनु बेनीवाल जो ये पहले थी, अब ये तनु पवार हो चुकी है, तो ये भी मेरे साथ में जा रही है मेरे साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। और तनु क्या हाल है, ठीक है? बढ़िया। चलो मैं ब्लॉग में पूछ रहा हूँ, वैसे तो मेरे साथ ही रहती है तो पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है, मुझे दिख जाता है ये ठीक है यार। भाई अभी जो काम के लिए हम आए थे वो काम कर लिया, अब तनु को यहाँ केक स्पोर्ट की पेटीज बहुत पसंद है, तो हम यहाँ पे पेटीज खाने के लिए आ गए। तनु तेरे को एक शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ, चल तू गाड़ी में बैठ, आ जा। चल तनु तू मेरे को एक बात बता, तेरे को कैसा लगता है मेरे साथ में घूम फिर के? ये पूछने वाली बात है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अगर मैं तेरे से कहूँ कि अब हम परमानेंट ऐसे घूमेंगे फिरेंगे तेरे साथ, मैं ऐसे ही रहूंगा, टाइम स्पेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा, तो तुझे कैसा लगेगा फिर ये सुन के? अच्छा। अच्छा लगेगा? मतलब मैं ऐसे अगर तेरे को बताऊं कि हाँ मैं तेरे साथ ही रहूंगा, बढ़िया एकदम पूरा 100% अपना टाइम तेरे को ही दूंगा, जैसे अभी तक तो मैं अपना जॉब वगैरह पे डाइवर्ट कर रहा था अपना टाइम वहीं पे, 8 घंटे की ड्यूटी, उसके लिए भाई 1 घंटे जाना 1 घंटे आना, तो 10 घंटे उसमें लग जाते थे और उसके लिए 1 घंटे तैयार वैयार होना, मतलब ज्यादातर टाइम उसी में चला जाता है अगर आप जॉब करते हैं। अगर मैं तेरे से कहूँगी मैंने रिजाइन दे दिया, देन? रिजाइन? हाँ मैंने रिजाइन दे दिया नौकरी से। मैं ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्यों हो क्यों नहीं सकता ऐसा? अरे सच में मैंने रिजाइन दे दिया भाई। हाँ कल। तो आपने तो बताया भी नहीं। तो इसमें बताना क्या था, मतलब इसमें बस दे दिया मैंने, मेरी मैंने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया था, अपनी इच्छा से छोड़ दिया। झूठ बोल रहे, रिजाइन बड़ी ऐसी बात है, ले मुंह पे मार दिया तो। अरे तो रिजाइन और कैसे देते हैं, रिजाइन के लिए कोई ये थोड़ा ना होता है कि कोई जाके पहले कोई वहाँ अप्रोच लगाओ, ये तो अपनी मन मर्जी होती है, दे दो जाके। तो रिजाइन देते हो तो बताना भी तो होता है। किसको बताना होता है? मेरे को, पापा को, मम्मी को। क्यों तेरे को क्यों बताना? अरे देख जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी मैंने अपने उससे करी थी, अब मैंने रिजाइन दिया, अब मैंने अपने उससे दे दिया। नहीं आप देंगे ही नहीं। क्यों? बिना पूछे बिना बताए ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे भाई मैं रिजाइन दे चुका हूँ और अब मेरा नोटिस पीरियड चालू हो गया है कंपनी में, अब वो एक्सेप्ट करें ना करें। नहीं चाहिए मेरे को रिजाइन
साइन देंगे और आप ऐसे घर बैठ जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। क्यों ऐसे टाइम में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं ऐसा नहीं चाहिए। अरे तो तेरे को तो सही है ना, तू हमेशा मेरे से कहती रहती थी कि आते हैं जॉब से फिर अपना फोन में लग जाते हैं। बात है ठीक है फोन में लगना, देखो आप वहाँ पे। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, ये लिटिल लिटिल चेंजेस तो लाइफ में करने होते हैं ना। अगर हम थोड़ी है कि नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, अगर चेंजेस नहीं करेंगे लाइफ में, ये थोड़ा हार्ड होता है। हाँ मैंने माना, बट इतना भी हार्ड नहीं, नहीं होता। नहीं बताया किसी को भी, नहीं बताया किसी को, नहीं पता। तो अब बता तो रहा हूँ तुझे, पापा गाड़ी देंगे। यही तो बात है कि पापा गाड़ी देंगे सबसे बड़ी। मैं जाते ही बोलूंगी ऐसे ऐसे हो गया है, यही तो बात है ना। चल अब तेरे को, तू खुश है? नहीं ऐसे मेरे को अभी कंफर्म ही नहीं है ऐसे मेरे को। अच्छा मैं तेरे को रेजिग्नेशन लेटर दिखा दूंगा फिर तेरे को कंफर्म हो जाएगा। हाँ। है? चलो भाई मैं वैसे तो मैं सही बोल रहा हूँ कि मैंने रिजाइन विजाइन दे दिया, नौकरी वोकरी मैंने छोड़ दी। हाँ। अच्छा चल तू चल ठीक है, मान ले मैं इस कर कि मैंने दे दिया, चल ठीक है तुझे मैंने दिखा दिया, देन तो फिर आपने मतलब क्या सोचा है फिर ऐसे ही? क्या सोचा है? अब भाई यही बात हो जाती है सब लोग ऐसे ऐसे, जैसे मैं कंपनी में भी जैसे कह रहा हूँ कि मैंने रिजाइन दे दिया, तो वहाँ भी सब लोगों को कि ऐसे क्या सोचा है भाई, फिर क्या करेगा? अरे क्या करूंगा, मतलब क्या बताऊं यार इसमें, अब यही घूमूंगा फिरूंगा। हाँ बीवी के साथ में घूमूंगा फिरूंगा, ये कौन सी बात होती है कि बीवी के साथ में घूमने के लिए तूने रिजाइन दे दिया? वही तो मैं कह रही हूँ। ये तो थोड़ी अजीब बात नहीं हो जाएगी कि बीवी के? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, घर वाले कहेंगे अच्छो बहुत है ना घुमाने के लिए ला रखी है, ए? घर कौन रहेगा फिर इसका, तो फिर सभी घूमने के लिए चले जा, फिर तो बहुए लेके जा तू अपना घूम फिर हांड, ए? बालक बच्चे को क्या होएगा, ऐसे ना कह देंगे घर वाले फिर। चलो कोई नहीं भाई, अब तो मैंने दे दिया रिजाइन, अब नोटिस पीरियड सर्व करना है कंपनी में, बाकी जैसे भी होता है आगे देखी जाएगी। भगवान ने कुछ लिख रखा होगा किस्मत में तो वो मिल जाएगा, ना लिख रखा होगा तो कितने ही हाथ पैर मार लो कुछ ना मिलेगा। ठीक है भाइयों चलिए अब आगे, अब या पीटी इज्जत खा ले तो अपनी है, ये तेरे हलक ते ना उतर रही है। चलो मेरे को दिखाओ। ठीक है दिखाता हूँ, रुक रुक। देखो भाई हम लोग पहुंच गए अपने गांव में, और यहाँ मैं आपको एक संस्कृति दिखाता हूँ, ये देखिए। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हरियाणा की संस्कृति में देखिए, जैसे ही बहू गांव में एंटर करती है गैल घूंघट कर लेती हैं, भले ही गाड़ी में किसी को दिखे ना दिखे, कोई क्या देखे कहा ना, बट फिर भी देखिए। जब हम लोग बाहर रहते हैं उस टाइम ऐसे, अब इसका एक अलग रूप है, अब ये धीरे धीरे बोलना चुप चुप बोलना ऐसे वाला इसका सीन शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब घर चलते हैं, घर पे भी मैं आपको ना एक ऐसे दिखाता हूँ, अरुण को जैसे मैं बताऊंगा तो अरुण को तो। चलो भाई अब मैं आ गया हूँ फार्म पे, और यहाँ पे है भंडारा ना यार, अभी मैं लेट है रहा हूँ, अब ड्यूटी जाऊंगा आज और जाना हूँ मैं ड्यूटी, मतलब आज और 10 दिन और जाना हूँ ड्यूटी पे। मतलब छुट्टी है फिर वो बात गर्मी की? नहीं भाई छुट्टी नहीं है, उसके बाद में फिर मैंने रिजाइन दे दिया। हैशटैग विक्ट्री। यस क्या रिजाइन दे दिया सच में? क्यों? तो तू तो कही तो ही मैंने कि अब ना करूँ मैं, हो गया बस एक साल ही करूँगा, उससे ज्यादा ना करूँगा। सही में कह दियो क्या? मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। अब मेरे से ये क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि अब इसके बाद में क्या, जैसे मैंने तनु से कही ऐसे बताया मैंने कि हाँ भी मैंने रिजाइन दे दिया, तो अब क्या? ठीक है भाई, जो वो में तो कुछ नहीं रखा, जो हम करोगे तो बस ऐसे ही। जैसे ये अम्मा ने ये यहाँ पे काम शुरू कर दिया है क्या? कुछ गेस्ट आए हुए ना अंदर, अम्मा मैंने लगा रखी है। अच्छा अम्मा लग भी रही है, ऐसी लग रही है। अरे नौकरी करने में यही होता है यार, ऐसा ही अपना काम। मैं तो तेरे से हमेशा कह रहा था अपना काम बेस्ट है, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तू छोड़ देगा, तूने छोड़ दिया, तू प्रैंक कर रहा है मेरा, मुझे पता है पक्का। अरे मैंने तो अगर दिखा दियो हो ही ना सके भाई। क्यों कोई मैं कोई ऐसा है क्या कि कोई डेडिकेटेड है? कसम वसम ना खाए को, मैं कसम वसम मैं पहले ही नहीं खाता भाई, देख लो अब भाई। अब मैंने बता दिया, अब जब मैं 10 दिन बाद में यहाँ पे रुक जाऊँगा, जब इनको अपने आप पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ 10 दिन है बच रही, मैं और लेने गया, मेरा इतना दर्द ही हूँ लेके
दो दियो अम्मा को रिजाइन दे दे तुम तो हमको नहीं कराना काम, ठीक है? अम्मा को हिसाब कर दे, हिसाब कर दे, दाढ़ी दे दे। कितनी दाढ़ी बन गई अब तक की? 10,000। कितने रुपया में रखी थे ना अम्मा यहाँ? 10,000 में। वैसे बेरोजगारी थे तो ठीक है, बुढ़ापे में कहाँ है सर। वैसे हम अपने डेमी को देखो, हम शेरा को हवा में रखते हैं भाई अंदर। ओ यार ये कहाँ है कि खींचनी छुड़ाई ने छुड़ाने दे यू छुड़ाई ना छुड़ान दे भाई। मम्मी ने खूब ट्राई कर लिया। मस्त एसी में रहता है, बढ़िया, कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना भाई, इसलिए इसको भाई गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ा को। घास भी सब रही हमारी तो फुग्गी फार्म की, देखना यार एकदम पूरी पीली पीली हो गई, पानी नहीं है हमारे यहाँ पे। शेरा कितना समझदार हो गया ओवर द टाइम, देखो भाई ओवर द टाइम कितना समझदार हो गया, कुछ भी नहीं कहता, ये प्यार का भूखा है वाला भाई। खूब कहे, खूब कहे, कुछ ना कहे।